दोस्तों, अगर आप एसी टेक्नीशियन है या आप कस्टमर है तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, कई बार हमारे एसी की कूलिंग कम हो जाती है और उसकी गैस कम निकल जाती है, तो दोस्तों और उसकी गैस बार बार लीक हो जाती है और लीकेज फिर भी हमें ढूंढने पर नहीं पता चलता। तो दोस्तों, यह वीडियो चाइना की है जिसमें कि एक घरी कंपनी का एसी है जिसकी की गैस लीकेज है और उसकी आउटडोर पर आइस भी आ रही है। तो दोस्तों, उसके बाद इसको इंडोर को ये खोलकर इसको इंडोर को पूरा खोलकर इसकी क्वाइल को बाहर निकाल लेते हैं। और क्वाइल को बाहर निकालने के बाद अच्छे क्वाइल को बाहर निकालने के बाद इसमें कि नाइट्रोजन का प्रेशर भर लेते हैं। नाइट्रोजन का प्रेशर भरने के बाद दोस्तों इसको पानी में डिप किया जाता है और पानी में डिप करने के बाद भी इसमें कोई लीकेज नहीं मिलती। तो दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल आता है भी अगर इंडोर में लीकेज नहीं है तो लीकेज आउटडोर में होगी। तो दोस्तों, आउटडोर में भी अच्छे तरीके से प्रेशर भरा और आउटडोर को भी डिप कर लिया और आउटडोर में भी लीकेज नहीं मिली। तो दोस्तों, उसके बाद इसकी पाइपिंग को भी डिप किया। दोस्तों, कई बार तो R32 और 410 में ये चांसेस आते रहते हैं। तो दोस्तों, आपके साथ भी कभी ऐसा चांस हुआ है कि आपने डिप किया और आपको लीकेज ना मिली हो? अगर हुआ है तो कमेंट कर जरूर बताएं और कमेंट कर ये भी जरूर बताएं कि 410 में या 32 में ज्यादा लीकेज के चांसेस किस में रहते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।